सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सिम्बायसिस के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा सिम्बायसिस का, तो आज हम एक प्रॉपर रिव्यू देने वाले हैं सिम्बायसिस का कि भाई उनके कैंपसेस कौन कौन से हैं, किस किस शहर के अंदर है, क्या एग्जाम पैटर्न्स वहाँ पर होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स के एंट्रेंसेस आप दे सकते हो, इसके अलावा वहाँ पर कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, प्लेसमेंट किस तरह के है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। तो जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। और जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो ईयर 2023 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सिम्बायसिस के अंदर, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप 2023 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो हम लोग आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो हमारे लास्ट के रिजल्ट थे तब भी हमारे स्टूडेंट जो थे वो काफी टॉप इंस्टीट्यूशन के अंदर सेलेक्ट हुए थे, वो रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी की सारी जो डिटेल्स है वो वहां पर सेंड कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं सिम्बायसिस की। अब देखिए, जब भी मैं किसी कॉलेज का रिव्यू देता हूं तो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई उस कैंपस के, मतलब उस यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली किस तरह का कैंपस है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डीयू की तो डीयू के अंदर अलग अलग कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर। अगर मैं बात करूं एलपीयू की तो एलपीयू का एक फोर्टिफाइड कैंपस है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सिम्बायसिस की तो बेसिकली सिम्बायसिस के जो कैंपस है वो अलग अलग शहरों के अंदर है। आपने सुना होगा सिम्बायसिस पुणे, सिम्बायसिस पुणे जो है भाई वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंपस है सिम्बायसिस का। और देखिए, पुणे के अंदर भी वहां पर अलग अलग कॉलेज भी हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी वहां पर हैं। तो सिम्बायसिस पुणे जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है सभी लोगों के बीच। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कैंपसेस की तो और शहरों के अंदर भी इसके कैंपसेस है, जैसे कि नासिक के अंदर है, नागपुर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है। तो ये कुछ कैंपसेस है जो सिम्बायसिस के आपको अलग अलग शहरों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि क्या हम पुणे के अलावा भी किसी कॉलेज के अंदर, किसी कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं? तो सबसे पहले आप उसकी एक बार आरओआई चेक कर लीजिए, यानी कि उसकी फीस कितनी है, उसका प्लेसमेंट कितनी है। और अगर आपको लगता है कि यार आपके हिसाब से आरओआई ठीक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर कैंपस है वो तो सिम्बायसिस पुणे के ही है, तो इस चीज का आपको जरा ध्यान रखना होगा, राइट? अगर आप मान लीजिए वहां से बीबीए वगैरह कर रहे हो तो काफी ज्यादा सही आपको वहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए अगर आप सिम्बायसिस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो देखो, हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट को टारगेट करके ही सब चीजें बनाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा सिम्बायसिस की। तो अगर आप सिम्बायसिस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो मान लीजिए अगर आप वहां से बीबीए जैसा कोई कोर्स कर रहे हो तो वहां पर फिर सेट का एग्जाम आपको देना होता है, सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप मान लीजिए सिम्बायसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई लो की डिग्री आप करना चाहते हो, इसके लिए आपको देना होता है स्लेट का एग्जाम, SLAT। अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग की कोई डिग्री करना चाहते हो तो उसके लिए आपको देना पड़ता है SIT EEE। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहते हो तो वहां पर फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है स्नैप का। तो ये कुछ अलग अलग एंट्रेंसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो सेट के अंदर बेसिकली आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स के ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो फिर आपके स्लेट के अंदर भी अगेन 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स के। अगर हम बात करूं SIT EEE की तो वहां पर 60 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इनकी जो मार्किंग स्कीम है वो होती है। इसके अलावा यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं तो आपको मिलेगी एलिजिबिलिटी की, पास आपका होना मैंडेटरी है 12th क्लास के अंदर, या फिर किसी किसी के अंदर 50% की एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है भाई, स्टेप बाय स्टेप। आपने फॉर्म फिल किया और फिर आपका फाइनल एडमिशन जो है वो कितने स्टेप्स के अंदर होता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखिए, अगर आप सिम्बायसिस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले सिम्बायसिस के फॉर्म्स आते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको सिम्बायसिस के जो फॉर्म्स है वो फिल कर देने हैं। आई होप ये तो सभी का फर्स्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपने सिम्बायसिस के फॉर्म जो फिल कर दिए। सेकंड स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप के अंदर आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। मैं आपको बेसिकली जो बीबीए है उसको ध्यान में रखते हुए सब सारी चीजें बता रहा हूं। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि भाई आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर के आपका जो एग्जाम है वो देना होगा, जो कि सेट का एग्जाम होगा, तो आपको एग्जाम दे देना है। अगर आप पूछेंगे कि सेट के एग्जाम की फिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो सेट का एग्जाम पैटर्न बेसिकली आपका यही है, जीके आपकी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी आती है, इंग्लिश आपकी आती है और क्वांट्स आपका आता है। तो बेसिक जो आपकी जो एग्जाम पैटर्न होता है वो यही होता है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स ही आपको मिलते हैं। इसके बाद देखिए, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के अलावा आपके पास फिर एक स्टेप और होता है जिसके अंदर आपको वेट एंड पीआई देना होता है। वेट एंड पीआई का क्या मतलब है, वेट का मतलब है रिटन एबिलिटी टेस्ट। ये जो वेट है बहुत ज्यादा एंट्रेंस के अंदर नहीं होता, लेकिन यहां पर आपको वेट देखने को मिलता है। वेट के अंदर बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी करंट टॉपिक भी दिया जा सकता है, कोई अलग टॉपिक भी दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। और इसमें मतलब क्यों ये दिया जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा तो आपके माइंड के अंदर हजारों थॉट्स होंगे, राइट? तो आप उन हजारों थॉट्स को किस तरह से एनालाइज करके कागज के ऊपर लिख सकते हैं, कागज तो मैं
गलत वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आप कैसे आप लिख सकते हैं वो वहाँ पर वेट के अंदर देखा जाता है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, और स्कोर कार्ड आने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपको होता है, आपको पता चलता है कि आपका किस कैंपस के अंदर एडमिशन हो रहा है आपके स्कोर्स के बेसिस पर। तो इस तरह से बेसिक आपका उनका जो हम बोल सकते हैं कि एक एडमिशन प्रोसेस का स्टेप है, वो स्टेप्स हैं वो ये है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। तो 1950 जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, यानी कि 1950 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इसके अलावा जब आप उसके अंदर कोर्सेज ऐड करेंगे, किस किस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस 1000 जो है वो आपके पर कोर्स ऐड वहां पर होता चला जाएगा। तो 1950 प्लस 1000, और जितने भी आप कोर्सेज ऐड कर रहे हो वहां पर 1000 प्लस 1000 वो सब ऐड होता वहां पर चला जाएगा। तो इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करूं भाई सिंबायोसिस की प्लेसमेंट्स किस तरह की है, तो देखिए अगर मैं सिंबायोसिस की प्लेसमेंट्स की बात करूं तो या और हां एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, प्लेसमेंट्स और फीस से पहले मैं चीज आपको बताता हूं कि एक चीज होती है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, तो उसका आपको ROI चेक करना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चेक करना होता है, यानी कि आप कितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि आप कितनी वहां पर फीस पे कर रहे हो, और वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको कितनी रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि कितनी आपको प्लेसमेंट दे पा रहा है। तो फीस एंड प्लेसमेंट को हम निकाल करके एक ROI निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंबायोसिस की, तो देखिए सिंबायोसिस पुणे का वहां पर सारी डिटेल्स के अंदर लिखा होता है, लेकिन बाकी कैंपस की आपको इतनी ज्यादा डिटेल्स वहां पर नहीं मिलती उनकी वेबसाइट पर। लेकिन अगर मैं बात करूं मेन कैंपस की, तो वहां का जो फीस स्ट्रक्चर है फॉर BBA वो आपकी एक साल का लगभग 3 लाख के आसपास है, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्टली 3 लाख ही है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं भाई सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए काफी अच्छा कैंपस है, क्योंकि वहां पर जो एक मान लीजिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसके हिसाब से फिर आपको जो हम बोल सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है भाई वो भी एक उसी लेवल का होता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से जो 3 लाख रुपए फीस है वो जो पे कर सकते हैं, इनके पास पेइंग कैपेसिटी है वो पे करते भी हैं, राइट। तो जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 3 लाख रुपये पर ईयर की, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन जो 9 लाख के अंदर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो वहाँ पर जो आपको हम बोल सकते हैं कि जो प्लेसमेंट्स है वो हाइएस्ट प्लेसमेंट लगभग 10 LPA या फिर 12 LPA के आसपास होती है, वो हाइएस्ट है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वहाँ पर फिर अगेन 5 LPA 6 LPA इतना उनका एवरेज पैकेज आपको मिलता है। तो इस तरह आपको जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। अगर आपको लगता है कि भाई जस्टिफाइड है कि मैं 3 लाख रुपए फीस पे कर रहा हूं, 5 से 6 लाख की मुझे प्लेसमेंट मिल रही है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 से 12 लाख के आसपास मुझे मिलने के चांसेस हैं, तो अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए जस्टिफाइड है और मैं इतना कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप सिंबायोसिस को चूज कर सकते हैं और सिंबायोसिस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड नो डाउट जो सिंबायोसिस ने अपना ब्रांड वैल्यू बनाई है इतने सालों के अंदर वो काफी ज्यादा सही है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिशन लीजिएगा। सो आई होप सिंबायोसिस के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसके अलावा देखिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेट के लिए, या फिर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिसके अंदर IPMAT भी आपका आ जाता है, जिसके अंदर आपका ZipMAT आ जाता है, जिसके अंदर Xavier's का एंट्रेंस टेस्ट है, या फिर आप IPU से टारगेट कर रहे हो, NASA MUJI आप टारगेट कर रहे हो, या फिर आप CUET ही दे रहे हो, तो सभी की प्रिपरेशन हम कंप्लीट करवाते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। और हमारे जो लास्ट के रिजल्ट्स थे वो भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे भाई सारे के सारे जो टॉप एंट्रेंसेज हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किए थे, उनका रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। और कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, ईबुक्स आपको मिलती है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है। तो इस तरह से जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो आप लोगों की होती है। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट बैच आने वाला है ईयर 2023 के लिए कब से शुरू होने वाला है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।